हेलो स्टूडेंट, क्लास सेवेंथ मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 रेशनल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम व्हाट इज द रेशनल नंबर। अ रेशनल नंबर कैन बी डिफाइंड एज दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो एक्सप्रेस होगा हमें इसे बोले के रेशनल नंबर। पी और क्यू हमारा होना चाहिए इंटीजर और q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अगर q इज इक्वल टू ज़ीरो हुआ तो ये जो हमारा रेशनल नंबर वाला फॉर्म होगा वो पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। इधर p जो है हमारा न्यूमिरेटर है और q है हमारा डिनोमिनेटर। रेशनल नंबर में फ्रैक्शन ही आएगा क्योंकि p अपन q के फॉर्म में है, इसलिए फ्रैक्शन में हम पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, नेगेटिव भी आता है, डेसिमल पॉइंट्स वाला भी आता है और सिंपल नंबर भी आते हैं। तो ये वाला तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है वो तो पता चल गया, माइनस 3/8 के फॉर्म में है वो भी पता चल गया, बट 3.6 है इसे हम कन्वर्ट करेंगे 36/10। तो ये भी हमारा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया और क्यू हमारा क्या है 10। 10 इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो 3.6 भी हमारा रेशनल नंबर है। बाद में हम देखेंगे 6, तो 6 को हम लिख सकते हैं 6/1, क्योंकि हमें पता है 1 ऐसा नंबर है जिसके साथ कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करेंगे तो वो ही नंबर आएगा। तो 6/1, तो वो पी अपन क्यू के फॉर्म में है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, 1 इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो 6 भी हमारा रेशनल नंबर है। तो देखो ये हमारा क्या है डिनोमिनेटर और 36 हमारा क्या है न्यूमिरेटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मींस के देखो इसमें इक्वल होना चाहिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम 5/8। 5/8 हमारा रेशनल नंबर है, 8 इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हमारा रेशनल नंबर हुआ। बाद में हमें पूछा होगा कि 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताओ, 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताओ। तो हम क्या करेंगे, 5/8 है तो इक्विवेलेंट मींस के क्या, दो ऊपर और नीचे की साइड दोनों तरफ से हम एक ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5/8 है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो क्या होगा हमारा 5 2 10 एंड 8 2 16, ये हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आया। बाद में सेकंड लेंगे हम 5/8, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 15/24। थर्ड आएगा हमारा 5/8, 4 × 4, तो 5 4 20, 8 4 32। बाद में आएगा 5/8, 5 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/40। ये जो हमारे चारों चार नंबर है वो हमारे क्या हुए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हुए। और जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है तो हम 2 3 4 5 ऐसे रनिंग में नंबर लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि 2 3 4 5 तो आपको पता चलेगा कि इसके बाद ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आएगा। वी हैव टू नेक्स्ट टॉपिक स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें किसे बोलेंगे, कोई बड़ा नंबर हमें दिया होगा और उसका छोटा फॉर्म जो होगा उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें एग्जाम्पल लेते हैं 18/45, ये हमारा बड़ा वाला नंबर दिया है, तो उसको 18 और 45, इसको 2 के साथ डिवाइड कर सकते पर इसको नहीं कर सकते, इसलिए 2 के साथ नहीं करेंगे, बाद में 3 के साथ करेंगे, इसको भी और इसको भी। और ये जो पूरा नंबर दिया है इसको जो नंबर के साथ आप डिवाइड करोगे नीचे वाले नंबर को भी उसी के साथ ही आपको डिवाइड करना है, इसलिए हम 3 के साथ करेंगे। तो 18/3, बाद में 45/3, तो 18/3 क्या होगा -6 और 45/3 क्या होगा 15। तो 6 और 15 आया तो उसको भी हम 3 के साथ डिवाइड कर सकते, इसलिए 6/2 और 3 आएगा और 15/3, तो 6/3 क्या होगा हमारा -2 और 15/3 क्या होगा हमारा
माइनस फाइव, तो जो माइनस टू अपॉन फाइव है इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो मैंने नंबर दिया होगा वो आएगा। तो इस ये बड़ा नंबर है उसका छोटा फॉर्म लाया तो हम क्या हुआ माइनस टू अपॉन फाइव, तो ये टू अपॉन फाइव है, माइनस टू अपॉन फाइव है, वो हमारा क्या हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ वी स्टार्ट न्यू टॉपिक रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। हमें दो रेशनल नंबर दिए होंगे और उसके बीच में कौन सा नंबर आता है वो हमें फाइंड करना है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं माइनस वन एंड ज़ीरो, उसके बीच में कौन सा नंबर आता है वो हमें फाइंड करना है। तो ये माइनस वन है उसको पहले तो हम रेशनल नंबर में बना देते हैं, तो माइनस वन अपॉन वन एंड ज़ीरो अपॉन वन, तो ये उसका क्या हुआ हमारा ज़ीरो ही आ गया। और ये तो आपको पता है कि माइनस वन अपॉन वन तो माइनस वन ही आया, तो हम हमारे इजी होगा इसलिए हम माइनस वन अपॉन वन और ज़ीरो अपॉन वन लिखेंगे। तो माइनस वन अपॉन वन एंड ज़ीरो अपॉन वन, उसके बीच में हमें फाइव रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे उसको फाइव के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी फाइव के साथ करेंगे। तो माइनस वन इंटू फाइव क्या होगा हमारा माइनस फाइव, और इसका क्या होगा फाइव, एंड इसका क्या होगा ज़ीरो इंटू फाइव ज़ीरो, फाइव इंटू वन फाइव। तो माइनस फाइव और फाइव ज़ीरो अपॉन फाइव ये तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि देखो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो यह हमारा ज़ीरो, ये माइनस वन, ये माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर और माइनस फाइव। देखो ज़ीरो अपॉन फाइव, माइनस वन अपॉन फाइव, माइनस टू अपॉन फाइव, माइनस थ्री अपॉन फाइव, माइनस फोर अपॉन फाइव और ये होगा फाइव। तो देखो इसको हम माइनस वन भी लिख सकते हैं, क्योंकि फाइव इन फाइव डिवाइडेड बाय फाइव और माइनस वन तो ये हुआ, और ज़ीरो डिवाइडेड बाय फाइव क्या होगा हमारा ज़ीरो होगा। तो उसके बीच में क्या हुए हमारे नंबर, ये फर्स्ट वाला नंबर, सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, ये हमारे चारों के चारों माइनस वन एंड ज़ीरो के बिटवीन आए, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं माइनस वन लेस देन माइनस फोर अपॉन फाइव, लेस देन थ्री अपॉन टू, लेस देन माइनस टू अपॉन फाइव, सॉरी इधर फाइव आएगा, लेस देन माइनस वन अपॉन फाइव एंड ज़ीरो। तो माइनस हम बोल सकते हैं फिर माइनस वन एंड ज़ीरो के बिटवीन माइनस फोर अपॉन फाइव, माइनस थ्री अपॉन फाइव, माइनस टू अपॉन फाइव एंड माइनस वन अपॉन फाइव आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फाइंड द फॉलोइंग पैटर्न। ये जो हमारी पैटर्न है माइनस वन अपॉन फोर, माइनस टू अपॉन एट, माइनस थ्री अपॉन ट्वेल्व, तो इसके बाद हमारा कौन कौन सा नंबर आएगा ये हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे ये दो नंबर कैसे आए। तो देखो ये हमारा फर्स्ट नंबर है माइनस वन अपॉन फोर, तो इसके बाद हमारा आया टू अपॉन एट, ये नंबर आया। तो ये नंबर कहाँ से आया, तो देखो माइनस टू को हम किस माइनस वन को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू आएगा, माइनस टू के साथ करेंगे, सॉरी माइनस प्लस टू के साथ करेंगे, और इधर क्या आएगा एट है, तो हम ऊपर और नीचे दोनों साइड एक ही नंबर से करेंगे तो ये हमारा क्या होगा इक्विवेलेंट फॉर्म हुआ। तो माइनस टू अपॉन एट आ गया। बाद में हम करेंगे माइनस फोर अपॉन माइनस वन अपॉन फोर, तो थर्ड वाला हमारी पैटर्न कौन सी है माइनस थ्री अपॉन ट्वेल्व, तो माइनस वन अपॉन फोर है, तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री आएगा, तो हम थ्री के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा माइनस थ्री अपॉन ट्वेल्व आएगा। तो आ गया माइनस थ्री अपॉन ट्वेल्व। बाद में हम लेंगे ये हमारा ये तो हमें दिया ही है, उसके बाद हमारा कौन सा नंबर आएगा, तो देखो ये टू के साथ किया बाद में थ्री के साथ किया, तो थ्री के बाद हमारा कौन सा नंबर आएगा फोर, तो माइनस वन अपॉन फोर इंटू फोर अपॉन फोर, माइनस फोर अपॉन सिक्सटीन,
नेक्स्ट नंबर हमारा होगा -4/16, बाद में उसके बाद हमारा नंबर होगा -1/4। हमारा जो फर्स्ट नंबर है उसको ही सबके साथ मल्टीप्लाई करके जाना है, तो -1/4 उसको हम 5 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा -5/20। तो नेक्स्ट हमारा नंबर होगा पैटर्न में -5/20, उसके बाद हमारा होगा -1/4, 4, 5, उसके बाद आएगा हमारा 6, तो क्या होगा हमारा -6/24। तो ये हमारा पैटर्न होगा -6/24। ऐसे ही आप 7 के साथ, 8 के साथ, 9 के साथ, 10 के साथ करोगे तो ये हमारी पैटर्न आएगा। पैटर्न मीन्स के न्यू नंबर हम फाइंड करते जाएंगे। वी हैव टू नेक्स्ट टॉपिक रिप्रेजेंट द नंबर ऑन द नंबर लाइन। हमें जो रेशनल नंबर दिया होगा उसको हमें नंबर लाइन पे डिफाइन करना है, रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो -5/8 है उसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो डिनोमिनेटर में हमारा कौन सा नंबर है 8, और 8/5 करेंगे हम फर्स्ट, तो 8/5, तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा 5, तो इधर पॉइंट लेंगे इसलिए हम, तो 8/6 = 48, 8, 0, 2, तो ये हमारा 0.6। तो आपको पता चला कि 0 और 1 के बीच में ही, 0 और -1 के बीच में ही ये जो नंबर है वो आएगा। तो 0 और -1, क्योंकि देखो ये माइनस है तो 0 की ये साइड ही आएगा, और 0.6 है, -0.6 है क्योंकि देखो ये माइनस, तो ये -0.6 है, तो ये -1। और हमें डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर दिया है 8, तो 0 से -1 तक हम 8 पार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये वाला 8। तो देखो ये 0 है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। तो देखो 0/8, तो ये क्या हुआ हमारा 0 हुआ, -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8, और ये क्या हुआ हमारा -8/8। तो हम इसे लिख सकते हैं -1। 0 और -1 के बीच में जो हमारा -5/8 है वो रिप्रेजेंट करना है, तो ये -5/8, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू नेक्स्ट टॉपिक कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। हमें 2 रेशनल नंबर दिए होंगे और उसको उसके कंपैरिजन करना है कि कौन सा बड़ा नंबर है और कौन सा छोटा नंबर है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, -7/21 एंड 3/9। -7/21 और 3/9, तो देखो इसे हम -7/21, तो इसे हम 1/3 भी लिख सकते हैं और इसे भी हम 1/3 लिख सकते हैं। तो देखो -1 और 1/3, तो इसके बीच में हमारा बड़ा वाला नंबर कौन सा है, -1/3, ये छोटा है क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव नंबर हमारा छोटा है और पॉजिटिव नंबर हमारा बड़ा है, तो -1/3 से बड़ा नंबर है 1/3। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे -1/3 और -1/4, उसके बीच में हमारा कौन सा बड़ा नंबर है वो हमें फाइंड करना है और कंपेयर करना है। तो देखो इसका डिनोमिनेटर हमारा 3 है और इसका डिनोमिनेटर हमारा 4 है, तो 3 और 4 के बीच में हम एलसीएम लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, जिससे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा। तो 3 और 4 के बीच में हम एलसीएम लेंगे, तो 3 1 3, और 3 के टेबल में 4 नहीं आता तो 4 का 4, 4 1 4,
फोर इंटू थ्री हमारा एलसीएम हुआ 12। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम दोनों के डिनोमिनेटर है वो सेम कर देंगे, तो थ्री के किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 4 के साथ करेंगे हम माइनस 1/4, 4 को 3 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, तो माइनस 4/12 और माइनस 3/12। तो आपको पता है कि छोटा नंबर है ये माइनस 3/12 है और माइनस 4/12 है, तो नेगेटिव नंबर में जो बड़ा नंबर है वो छोटा होता है और छोटा नंबर बड़ा होता है, तो छोटा नंबर हमारा माइनस 3/12 है, तो ये हमारा बड़ा हुआ माइनस 4/12 से। नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक एडिशन। तो ये हमारा रेशनल फॉर्म दिया है और ये हमारा रेशनल फॉर्म दिया है, उसका हमें एडिशन करना है। तो देखो 7 और 3 है, हमारा दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसका एलसीएम लेंगे और 7 और 3 का एलसीएम हमारा होगा 21। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 और 7 है, 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और 2/3 को हम 7 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 3/3 क्या होगा माइनस 9/21 प्लस 7 2 14/21। तो इसका और इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हमें इजी होगा क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम होगा तो एडिशन में इजी होगा, तो माइनस 21 माइनस 9/14। 21 इसका भी डिनोमिनेटर है और इसका भी डिनोमिनेटर है, तो एक ही बार लिखेंगे 21 और ऊपर क्या होगा हमारा ऊपर क्या होगा माइनस 9 प्लस 14/21। तो 14 में से हम माइनस 9 करेंगे, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 14 माइनस 9/21। तो हम 14 में से 9 माइनस करेंगे तो 5/21, तो ये हमारा एडिशन हो गया। ना वी हैव टू नेक्स्ट टॉपिक सब्स्ट्रैक्शन। तो ये हमारा जो दोनों नंबर दिए ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, उसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए मिक्स फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 5 × 2 + 1/5, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और इसका प्लस होगा, एडिशन होगा 5 × 2 + 1 डिवाइडेड 5/5, ये जो डिनोमिनेटर है वो ही आएगा, बाद में माइनस 1/3। तो 5 × 2 = 10 + 1 = 11/5 होगा, और देखो ये माइनस और माइनस 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 ऑलवेज प्लस 1/3, दो सेम साइन होगी हमारी, दो सेम साइन होगी माइनस और माइनस, तो वो हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस और प्लस हमारा हो जाएगा प्लस, दो हमारी दोनों कोई भी साइन हमारी सेम होगी तो प्लस होगा, और अलग अलग साइन होगी माइनस प्लस तो माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये ध्यान रखेंगे हम। तो 11/5 + 1/3, तो ये भी हमारा क्या हुआ एडिशन हुआ, 5 और 3 का एलसीएम हमारा होगा 15। तो 11/5 है, 5 को हम 3 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा 15 आएगा, 1/3 है उसको 5 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा ये आएगा 15। तो 11 × 3 = 33, 5 × 3 = 15 प्लस 5/15, तो क्या होगा हमारा 33 + 5/15, तो ये हमारा हुआ 38/15। नेक्स्ट एग्जांपल लेके 7/9 - 2/5, तो इसका और इसका डिनोमिनेटर हमारा अलग है, तो 9 और 5 का एलसीएम हम लेंगे तो क्या होगा 45। तो 7/9 है, 9 को किसके साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 5 के साथ, 2/5 है तो 5 को हम 45 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, तो उसको दोनों को हम 9 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 × 5 = 35/45
माइनस 18 अपॉन 45, तो 35 माइनस 18 और दोनों का डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो एक ही बार लिखेंगे हम, तो 35 माइनस 18 हमारा होगा तो क्या होगा 17 अपॉन 45। नाउ वी हैव टू नेक्स्ट टॉपिक मल्टीप्लीकेशन, उसमें हमें दिया होगा माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 7 अपॉन 8, तो हमें इसका मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो हम डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमिरेटर का न्यूमिरेटर के साथ, तो माइनस 2 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 8, तो माइनस 2 अपॉन 8 तो हमारा होगा माइनस 14 अपॉन 24, तो हम उसको 2 उसको और उसको 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2 और 24 डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7 अपॉन 12, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन का आंसर। बाद में नेक्स्ट लेंगे हम एग्जांपल माइनस 4 अपॉन 5 इंटू माइनस 5 अपॉन 8, तो ये हमें दोनों माइनस दिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दो माइनस दिए होंगे तो सेम साइन है इसलिए प्लस होगा, 4 अपॉन 5 इंटू 5 अपॉन 8, तो 4 अपॉन 5 और 5 अपॉन 8 तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम नंबर है, और 4 अपॉन 8 होगा 4 अपॉन 8, तो हमें पता है कि 4 के टेबल में 8 आता है, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, तो 1 अपॉन 2 ये हमारा आंसर। नाउ वी हैव टू नेक्स्ट टॉपिक डिवीजन। डिवीजन यानी जो नंबर हमें दो दिया होगा उसका हमें डिवीजन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिवीजन में हमें रेसिप्रोकल पता होना चाहिए। रेसिप्रोकल यानी जो नंबर हमें दिया होगा उसका उल्टा नंबर करेंगे तो हम रेसिप्रोकल होगा, तो 5 अपॉन 8 नंबर दिया होगा तो उसका रेसिप्रोकल होगा 8 अपॉन 5। माइनस 3 अपॉन 5 दिया होगा तो उसका रेसिप्रोकल होगा माइनस 5 अपॉन 3। हमें इसका डिवीजन करना है, माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 3, तो माइनस 4 को हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस 4 अपॉन 1 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 3, तो माइनस 4 अपॉन 1 डिवाइडेड, ये जो साइन है हमारा डिवीजन का उसका हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन में किया तो ये जो नंबर है उसका हमें रेसिप्रोकल करना होगा, तो रेसिप्रोकल 2 अपॉन 3 का होगा हमारा 3 अपॉन 2, तो 2 2 4, तो माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 होगा हमारा माइनस 6 आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल लेके माइनस 1 अपॉन 8 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 4, तो माइनस 1 अपॉन 8 इसका डिवीजन की साइन है तो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई की साइन, बाद में 3 अपॉन 4 है उसका रेसिप्रोकल हमारा आएगा 4 अपॉन 3, तो 4 टू ज़ा 8, तो माइनस 1 अपॉन 6 ये हमारा डिवीजन का आंसर आएगा।